राकेश कुमार टाक, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. टुडे वी विल डील अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली मोनोसैकेराइड्स. एंड इन मोनोसैकेराइड्स टुडे वी विल डील अबाउट द कॉन्फिगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स एल्डोज का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए किलियानी सिंथेसिस जैसी श्रृंखला वृद्धि वाली विधि का उपयोग किया जाता है तथा एक ज्ञात एल्डोज के किलियानी सिंथेसिस द्वारा दो उच्चतर एल्डोज बनाकर उसमें ऑक्सीकरण उत्पाद द्वारा उसकी पहचान कर ली जाती है. उदाहरण के लिए डी ग्लिसरेल्डिहाइड के किलियानी सिंथेसिस से दो टेट्रोज बनेंगे, डी एरिथ्रोज एवं डी थ्रियोज. इनमें से कौन सी संरचना डी एरिथ्रोज की होगी और कौन सी संरचना डी माइनस एरिथ्रोज की होगी ये जानने के लिए इनका ऑक्सीकरण कराएंगे, जो ऑक्सीकृत होकर मीसो टार्ट्रिक अम्ल बनाए जाएंगे. वह होगा कि डी एरिथ्रोज और जो ऑक्सीकृत होकर प्रकाश की सक्रिय टार्ट्रिक अम्ल बनाए गए वह डी थ्रियोज होगा. अतः डी प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड का किलियानी सिंथेसिस करने पर डी माइनस एरिथ्रोज और डी माइनस थ्रियोज बनेंगे और डी एरिथ्रोज का ऑक्सीकरण करने पर मीसो टार्ट्रिक अम्ल बनेगा, जबकि डी थ्रियोज का ऑक्सीडेशन करने पर डी प्लस टार्ट्रिक एसिड बनेगा. श्रृंखला को बढ़ाते हुए यदि एल्डोहेक्सोज तक बना लिए जाएं, तो कुल मिलाकर 8 एल्डोहेक्सोज बनेंगे, जैसा कि हमने हमारी PPT में दिखाया है. इन 8 एल्डोहेक्सोज में से एक समावयवी डी ग्लूकोज होता है, जो डी माइनस एरिबोज से बना होता है. डी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो डी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है. डी ग्लूकोज का निर्माण डी जाइलोज से होता है. एल्डोज के ऑक्सीकरण में केवल सिरे वाले कार्बन परमाणु ही ऑक्सीकृत होते हैं, अतः ग्लूकोज और ग्लूकोज सिरे को समूह विपरीत करने पर ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं. इस प्रकार दोनों का अभिविन्यास ज्ञात हो जाता है. कीटोसों के अभिविन्यास एल्डोजों की सहायता से ज्ञात हो जाते हैं, अर्थात उदाहरण के लिए ग्लूकोज और फ्रेक्टोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ समान ओसाजोन बनाते हैं. चूँकि ओसाजोन बनने के में केवल प्रथम दोनों कार्बन परमाणु ही भाग लेते हैं, अतः दोनों के शेष कार्बन परमाणुओं का अभिविन्यास समान होता है. ग्लूकोज को हम NH C6H5NH2 के द्वारा यदि हम इसको रिएक्शन करते हैं तो फाइनली ये ओसाजोन बनता है, और जो ओसाजोन है वो हमें फ्रेक्टोज के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है. एरिथ्रो एवं थ्रियो स्टीरियो स्ट्रक्चर एरिथ्रो एवं थ्रियो विमृम समावयवी एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियो आइसोमर्स किसी कार्बनिक यौगिक में जब दो असममित कार्बन परमाणु हो तो उसके चार प्रकाशकीय सक्रिय समावयवी रूप होते हैं, जिनमें से दो जोड़े एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं. टेट्रोज और एरिथ्रोज व थ्रियोज के अनुसार जिस जोड़े में समान समूह का एक ही और स्थित होता है उसे थ्रियोज स्टीरियो स्ट्रक्चर कहते हैं, और जबकि समान समूह में विपरीत दिशा में होने वाले
त्रियोविम्ब संरचना बनती है उसे हम, इसी तरह से डी एरिथ्रोज जो है उसके दो स्ट्रक्चर एरिथ्रो ग्रुप और थ्रियो ग्रुप बनता है। ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन की दो विधियां हैं, अर्थात यदि हम ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करें, जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये सारे कन्वर्जन्स हैं कि एक ग्लूकोज को मैनोज में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है या मैनोज को ग्लूकोज में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन दो विधियों से होता है, इसको एपिमराइजेशन भी कहते हैं। जिन दो समावयवों में C2 परमाणु का अभिविन्यास विपरीत हो उसे एपिमर कहा जाता है। किन्हीं दो एपिमरों के अंतर परिवर्तन से को एपिमराइजेशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में डी ग्लूकोज और डी मैनोज के द्वितीय कार्बन परमाणु के विन्यास विपरीत होते हैं, अतः ये दोनों परस्पर एक दूसरे के एपिमर हुए। ग्लूकोज में मैनोज तथा मैनोज से ग्लूकोज में परिवर्तन करने की क्रिया को एपिमराइजेशन कहते हैं। ग्लूकोज को मैनोज में अथवा मैनोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए अभिक्रियाओं में से एक श्रृंखला संपन्न होती है। सर्वप्रथम हमें ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। इन अम्लों को जब पिरिडीन के साथ गर्म किया जाता है तो ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें गर्म करने पर के बाद अपचित करने पर इच्छित यौगिक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज से मैनोज में परिवर्तन के लिए हम डी ग्लूकोज लेते हैं जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और इंटरचेंजेबल इसके बाद में पिरिडीन की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं, इनोल बनता है और इसके बाद में मेलोनिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह गामा लैक्टोन और डी मैनोज बनता है। ये कन्वर्जन मैनोज से ग्लूकोज परिवर्तित करने में दर्शाया जा सकता है। मैनोज का ऑक्सीडेशन जब किया जाता है तो मैनोनिक अम्ल बनता है और पिरिडीन की प्रेजेंस में ग्लूकोनिक एसिड बनता है। गामा लैक्टोन को जब रिडक्शन कराया जाता है तो फाइनली वह ग्लूकोज में बनता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में हम कार्बोहाइड्रेट्स के विभिन्न जो कन्वर्जेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ? हाँ नौ रंग में भी कह रहा था, एक तूड़ी का ही सांप है कोई था, फी वो क्या है वसीम करके, वो थोड़ा खाता देख के बताना उसके कितने पैसे बाकी थे। हाँ शालीराम को ध्यान होगा, उसके जी वसीम का नाम सुतूड़ी का 68,000 बाकी आ करता।